द इंडियन फार्मेसी में बिहार में फार्मासिस्ट के कुछ पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या क्या आपकी जो मंथली जो आपकी सैलरी है वो रहने वाली है, वैकेंसीज कितनी है, सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो किसके द्वारा निकाली गई है। तो ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। किसके लिए निकाली गई है? तो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए ये जो है निकाली गई है। ये आपको स्टेशन इसका हेडक्वार्टर तो दानापुर में है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ऑफिशियल नंबर है। इसमें जानते हैं कि क्या चीज़ों के लिए ये जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है किस चीज़ के लिए हुआ है। तो ECHS मीन्स एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, तो ECHS इनवाइट एप्लीकेशन टू इंगेज स्टाफ एज फॉलोइंग जो कंट्रीब्यूटरी बेसिस इन ECHS पॉली क्लिनिक, मीन्स कि ये ECHS के थ्रू जो इंगेज स्टाफ हैं, जो मेडिकल स्टाफ है पॉली क्लिनिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है। कहाँ कहाँ ये पॉली क्लिनिक और स्टाफ का सिलेक्शन होना है? तो आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, ये सारी जगह, इतनी जगह ये जो है इसके लिए ये पोस्ट जो है वो निकाली गई है। और ये पूरा पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए है, इसके बाद ये फिर रिन्यूअल होगा। तो इसी में ये जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा फार्मासिस्ट के पोस्ट पे, तो हम सीधे आपको लेके चलते हैं फार्मासिस्ट के पोस्ट पे। यहाँ आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है फार्मासिस्ट, आप देख पा रहे होगे। तो फार्मासिस्ट में क्या क्या पहले जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो बी फार्म यहाँ पे बैचलर फार्मेसी मांग रहा है और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, बैचलर और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, बी और डी फार्म दोनों एलिजिबल हैं। आपको कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको बी फार्म आप रहोगे फिर भी आपको कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा रहोगे फिर भी आपको कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसकी पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट की वैकेंसी है, और इसकी सैलरी की बात करें तो 18,100 आपको जो है पर मंथ ये सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 ईयर के लिए रहने वाली है। और ये 5 वैकेंसीज है और 28,100 इसकी मंथली सैलरी है वो आपको मिलने वाली है। ये एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन है, इसके लिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहो तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ आपको इसके लिए अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर जितने भी आपके 10th 12th सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन जो है उसको लेके, और आपको कहाँ भेजना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 4 डिटेल्ड ORS टर्म टू कंडीशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज क्राइटेरिया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? ECHS www.echsgov.com पे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको जाओगे तो ये आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको और सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको आपको भेजना कहाँ है, ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकली हुई 30 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आपको अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपको ये चीज़ें और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फोटोकॉपी आपको हेडक्वार्टर सेल COHQ JNB सब एरिया दानापुर कैंट पटना बिहार 801503 30 अप्रैल से पहले ये आपको पोस्ट, जैसे भी आप भेजना चाहो स्पीड पोस्ट से, जैसे भी आप उसको भेज सकते हो। और इसमें आपको ये इसकी इंटरव्यू कब होगी, टाइमिंग क्या होगा, सारी चीज़ें आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको 30 अप्रैल से अगर आप इसमें एलिजिबल होना चाहते हो, अगर आप इसकी इंटरव्यू में बैठना चाहते हो, तो 30 अप्रैल 2024 से पहले आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है, फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको यहाँ पे भेज देना है। और जब आप इंटरव्यू के टाइम जाओगे तो आपको मतलब अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 10th 12th वर्क एक्सपीरियंस, डिस्चार्ज बुक, PPO सर्विस रिकॉर्ड, इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फोटोग्राफी, इसके बाद सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मांगी जाएगी।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और भी नॉट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ECHS की वेबसाइट पर जाकर और इसकी सारी डिटेल्स जो है आप चेक कर सकते हो। सो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।